वैसे तो सुनो और स्नोफॉल देखना सबकी चाहत होती है। हिमाचल में मनाली वैसी ही जगह है जहां आप स्नो और स्नोफॉल दोनों का मज़ा ले सकते हो और एडवेंचरस स्नो एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हो। मनाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है हिमाचल में स्नो और स्नोफॉल देखने के लिए। विंटर शुरू होते ही मनाली बर्फ की चादर ओढ़ लेती है और विंटर में आपको इस डेस्टिनेशन को जरूर विजिट करना चाहिए। मनाली में स्नोफॉल दिसंबर में चालू हो जाता है और मार्च तक रहता है। तो आज हम लेकर चलेंगे आपको मनाली से सोलांग वैली की सफर पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर से कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब बात करें मनाली से सोलंग वैली कैसे विजिट कर सकते हैं। मनाली से सोलांग वैली बाइक से, कार से या बाई बस भी विजिट किया जा सकता है। मनाली टाउन से सोलांग वैली की दूरी 12 किलोमीटर है जिसे 30 मिनट की ड्राइव करके सोलांग वैली विजिट कर सकते हैं। जब भी आप विंटर मंथ में दिसंबर से लेकर फरवरी तक सोलांग वैली आएंगे ऐसा सेम टू सेम नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मनाली के सोलांग वैली को हिमाचल का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। सोलांग वैली के लग्जरी लॉन कन्वर्ट हो जाते हैं स्नो लॉन और स्की स्पोर्ट्स सेंटर में जब विंटर शुरू होता है। विंटर के समय में यहाँ पर एटीवी बाइक में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ याक राइड का भी मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ बर्फ में खेलने का और मस्ती करने का एक अलग ही मजा होता है। सोलांग वैली के इस रोपवे एंड स्की सेंटर में रोपवे एक्टिविटी कर सकते हैं और साथ ही साथ स्की का भी मजा ले सकते हैं। सोलांग वैली में एक छोटा सा पौराणिक मंदिर है जिसके दर्शन कर सकते हो आप और माथा भी टेक सकते हो और साथ ही साथ बहुत कुछ है करने के लिए सोलांग वैली में। पूरा दिन बिता सकते हो यहाँ पर फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि आप सोलांग वैली में स्की और स्केटिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ स्की और स्केटिंग दोनों का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। स्की और स्केटिंग के लिए विंटर का मंथ सबसे बेस्ट होता है सोलांग वैली में एक्टिविटी करने के लिए। सोलांग वैली गेटवे है हिमाचल के कोल्ड डिजर्ट रीजन लेह और लद्दाख का। सोलांग वैली में सीनरी वाली पिक्चर लेना और गरम गरम चाय और कॉफी के साथ मैगी और मोमो खाने का एक अलग ही मजा है। यदि आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ पर लोकल हिमाचली डिश और साथ ही साथ लोकल टिबेटन फूड भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ के लोकल ढाबे में। मनाली के सोलांग वैली में खाना खाते हुए, घूमते हुए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए फ्रेंड और फैमिली के साथ पूरा दिन भी बिताया जा सकता है। तो यदि आप अगला ट्रिप मनाली का प्लान कर रहे हैं तो विंटर के समय में सोलांग वैली को अपने विश लिस्ट में जरूर रखें।